अभी मैं जा रही हूँ मेरी जो वाड़ी है, मेरा फार्म हाउस है वहाँ पे, और मैं प्रसादी और माता जी को चुन्नी चढ़ाना सब कुछ लेके आई हूँ, क्योंकि मैं इतने दिन से आई हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी अब ठीक नहीं रह रही थी, मतलब कुछ कमी लग रही थी मुझे मेरे दिल में, क्योंकि मैं हमेशा जब भी आती हूँ मैं पहले मंदिर जाती हूँ, मैं नहीं गई इस बार मंदिर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज मुझे वो टाइम मिल गया है, मैंने निकाला टाइम कि पहले मैं मंदिर जाती हूँ, बाद में मैं सब कुछ करूँगी। तो मैं आज फार्म हाउस जाऊँगी, देखती हूँ कितने मेरी फैमिली वाले मिलते हैं वहाँ पे, तो मैं सबका इंट्रो कराऊँगी, क्योंकि मेरी बड़ी फैमिली है, मेरे पापा और वो 6 भाई हैं, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, तो हमारा बहुत बड़ा फैमिली है। तो अभी मैं जाती हूँ, मेरी दादी भी फार्म हाउस पे ही रहती है, मेरे अंकल है उसके साथ ही, तो वैसे तो हम लोग साथ में है वैसा ही है, बट खाना पीना सब खाना अलग कर दिया है बस। जब मैं 16 साल की थी तब हम लोग सेपरेट हो गए थे, सब अलग अलग रह रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम लोग अलग अलग रहते हैं। तो अभी मैं निकल रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ मेरे फार्म हाउस अकेले चल के, क्योंकि कोई है नहीं अवेलेबल गाड़ी के लिए। तो हमारी जो फार्म हाउस है वो हमारा जो ये गांव है उसके नियर बाई है, तो सिर्फ 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है, तो चलो चलते हैं। सो अभी मैं पहुंच गई हूँ मेरे चाचू के घर पे, तो मेरी सिस्टर है वो नहाने के लिए गई है, तो उसने बोला कि वेट करो मैं आती हूँ, क्योंकि शूट करने के लिए तो मुझे वो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने बोला जल्दी से नाओ और फिर हम लोग जाएंगे मंदिर, जो कि आपको मैं बता दूँ रणछोड़ मामा मेरे दिल के बहुत ही करीब है, क्या बताऊँ मैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बताऊँगी तो मतलब सब लोग बोलेंगे अंधविश्वास है ये वो, बट वो श्रद्धा का मतलब श्रद्धा है बहुत मेरी उस पर, तो वो मेरे बहुत ही फेवरेट है। फ्रेंड बोलो तो फ्रेंड है, भगवान बोलो तो भगवान है, मेरे मामा बोलो तो मामा है, भाई बोलो तो भाई है मेरे, क्योंकि वो भाई की तरीके मतलब भाई जैसे वो मेरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि मैं इतने टाइम से मैं और नीलेश पुणे में अकेले रहते हैं, बट मुझे कभी ख़राब एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, कभी भी नहीं इतने बड़े पुणे में। और दूसरी बात, एक ख़राब एक्सपीरियंस हुआ था कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी, बट 12 महीने के बाद भी वो मुझे गाड़ी सही सलामत एज इट इज़ मिल गई थी, तो मुझे वो बहुत ही एक चमत्कार ही लगा, वरना पुणे में गाड़ी खो जाए और वो मिल जाए वो इम्पॉसिबल चीज़ है, बट 12 महीने के बाद, 1 ईयर के बाद मुझे वो गाड़ी मिली। सो या सो गाइस, मैं अभी आ गई हूँ मेरे फार्म हाउस पे, तो ये है मेरा फार्म हाउस। ये मेरी सिस्टर मोडू, आम कर तो देखा तो एमा हूँ मोडू छुपाड़स तू बदी मस्ती नहीं अच्छे। वो जनरल हॉस्पिटल है नहीं, हाँ यही, और वो कोर्ट है हमारी खंबालिया की। अच्छा हाँ, उसके पीछे जो है ना वो है जनरल हॉस्पिटल, ये वाला नहीं, उसके पीछे। थोड़ी धूप कम हो जाए, और यहाँ पे रेलवे ट्रैक है। सो फाइनली 1.5 ईयर के बाद में आई हूँ यहाँ पे भी रणछोड़ मामा। पहले हम यहाँ पे जाएंगे फिर वहाँ पे जाएंगे। सो भाई देख लो हमारे ब्यूटीफुल खोड़ियार माँ,
अभी हम लोग जाएंगे मेरे फेवरेट, सबके फेवरेट रणछोड़ बाबा। ये मेरी काकी है, दीदी काकी हमारा काकी छे। और जो मेरी सिस्टर अनु है उसकी मम्मी। यहाँ पे ना बहुत ही तेज हवा चल रही है, हेलो। सो ये मेरा सबसे बड़ा भाई है देवेन। हु करत जो पानी ना गांव गईटा जुवर भाई भी हम आमा भाई भी जुवर हां ट्रैक्टर लावे हमणा तो काई काई गाटी होरी ने पेड़ो ओलू ही खेतर खेड़वानो छो उभू यहां ही गो भाई गए एमा जुवर वावी दीदी वावी दीदी उभी एमा बरोबर So, ये हमारा फार्म हाउस है। काकी मोटी मासी थाई सॉरी बधे ने मड़ावीशु सबको मिलाऊंगी मैं हैं क्या वाली दीकू आया वे अरे मैंने बोला था ना मेरे ब्लॉग में आपको बच्चे ही दे ले 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 पड़ी क्यों हाँ मुझो। सो ये है मेरे सबसे छोटे चाचू है उसकी बेटी है और वो जो अभी भाग के आ रहा है और एक दो बार जो गिरा अभी वो मेरा सबसे छोटा भाई है और वो सबसे छोटे चाचू का बेटा है वो ये वाला वनराज। इसका नाम वनराज है। ओह माय गॉड हाय बोल वनराज वनराज ए वन बागेज रखे इधर इसका नाम दीकू है ऐसे कृष्णा कोई नहीं बुलाता वैसे इसका नाम कृष्णा है। हमारी खेत से एक सनसेट का व्यू। सो हमारा बाजरा अभी तक पका नहीं है। नीलेश का ऑलमोस्ट पक गया है वहां पे तो नीलेश का सॉरी मेरा ही है वो ये भी मेरा है वो भी मेरा है। सो अभी रवि की शादी हो जाएगी ना उसके बाद ये पक जाएगा आई गेस 15-20 दिन में ना तो अभी बहुत छोटा है अभी तो ये बड़ा होगा। और वो मेरे चाचू है थर्ड नंबर चाचू ऐसे नंबर में बोलना पड़ेगा क्योंकि 6 भाई है वो ये थर्ड नंबर चाचू है मेरे काका। सो ये वो जगह है जब हम छोटे छोटे थे ना तब ये हमारी फेवरेट प्लेस हुआ करती थी। सो ये काव्या है जो मतलब मैंने आपको दिखाया था ना जिसकी कार में हम लोग गए थे जामनगर ये उसकी बेटी है और कुश भी इसका छोटा भाई है जो खेल रहा था रात को। तो अभी इसका कुछ काम है बाजार में तो मुझे लेने के लिए आई है तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाजार में।
तो चलो हेलो हम जाए चलो। काकी हम लोग नहीं बोलते, हम लोग मासी ही बोलते हैं। तो ये मेरी मासी है और एक मेरी मासी भी बेस से दूध निकाल रही है। हो चुंदड़िया देती है वालो। हाँ उतार छू। तो ये मेरी मासी है ये भी, और एक काकी उधर भी है। तो तीन काकी का इंट्रो हो गया है अभी। हूँ तो मार वीडियो उतारू छू। तो ये भी मेरी काकी है, मतलब सब मेरे चार काका फार्म हाउस पे ही रहते हैं। और ये घर है हमारे। जा काका क्या ओली साइड छे आईया मेला गाण जो गुंडो वाला के हाय हाय मां। आ छे मारो काको, आज चौथा नंबर ना काका मारा। हेलो मैं हूं दोवा। तो मेरे पांच काका है, उसमें थर्ड नंबर, सॉरी चौथा नहीं त्रीजो नंबर। એમ કે છે હાલે મજામાં બધાય બધાય મજામાં છો કે નહીં કમેન્ટમાં કહેજો। સો ચલો, સો ગાઈઝ મેં આ ગઈ થી કુછ 7 બજે ફાર્મ હાઉસ સે, મેરી સિસ્ટર મુજે લેને કે લિયે આઈ થી। और हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए, उसके साथ कुछ उसको लेना था। तो खाना वगैरह सब कुछ हो गया है, बस अभी सोने की तैयारी है। ये दोनों सो गए हैं अभी, दोनों सोए हैं यहाँ। तीनों बहन साथ में ही सोती हैं, हम यहाँ पे हमारा ऊपर रूम है। तो ये दोनों सो गई है आज। दिव्या ने बहुत ही काम किया तो वो भी थक गई, इसकी भी पूजा के भी एग्ज़ाम चल रही है। सो एक वीडियो क्लिप है अभी, इसके बाद आएगी। मेरी फ्रेंड है श्रेया, श्रेया जेठवा, मतलब हम लोग ऐसे टच में सिर्फ व्हाट्सएप में ही रहते हैं, मतलब बात वगैरह हमारी कुछ होती नहीं है। बट बैक इन द डे, मतलब मैं जब यहाँ पे थी मम्मी के यहाँ पे, तब नीलेश भी मेरी लाइफ में भी नहीं था, बहुत पहले की बात है। तो हम लोग साथ में मतलब डांडिया खेलने के लिए जाते थे, उसकी प्रैक्टिस वगैरह करते थे। हम लोग बहुत ही कम मिले, बट हमारी जब भी बात होती है तो मतलब अच्छी कन्वर्सेशन होती है हमारी। तो मैं मजीठिया जो शॉपिंग मॉल है यहाँ पे, वहाँ पे गई थी। तो गाड़ी रखने के लिए वहाँ पे जगह नहीं थी, तो कोइंसिडेंसली मैंने उसके घर के पास ही गाड़ी पार्क की। तो मैंने देखा कि अंकल आंटी वहाँ पे है, तो मैं पूछ लूँ कि मैं मेरी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकती हूँ क्या, क्योंकि हम लोग पुणे से हैं, मतलब अभी तो मतलब कहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग पूछते हैं कि भाई। तो मेरा वो मतलब मैंने उसको पूछा और मैंने बोला अंकल मैं यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दूँ क्या। फिर वो मुझे जान गए, वो बोले अंदर आओ। फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा दोनों अंकल आंटी के साथ व्लॉग कर लूँ। तो श्रेया दिस इज़ फॉर यू, कि तुम अपने मम्मी पापा को भी देख सको। मैं वहाँ पे गई कोइंसिडेंसली और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उन दोनों को मिल के इतने टाइम के बाद। मतलब श्रेया के मम्मी पापा को मैं शायद अभी कितने साल हो गए हैं, 5 साल तो मेरी शादी को हुए हैं, शायद 8-9 साल हो गए हैं मैं नहीं मिली थी। तो या श्रेया दिस इज़ फॉर यू। मुझे मतलब छोटी छोटी खुशियाँ बांटना बहुत ही पसंद है, और मैं वहाँ पे गई और कोइंसिडेंसली मैंने मिल लिया, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप बना लूँ। सो या आई होप कि श्रेया तुम्हें अच्छा लगा हो, कमेंट करके बताना।
શ્રેયા તારી માટે સરપ્રાઈઝ તારા પપ્પા. પપ્પા કઈક બોલો તમારી છોકરીને. શું બોલું મારી દીકરીને, સદા સુખી રહે, આશીર્વાદ કાયમ ભેગા જ હોય મારા કાયમ ને માટે. અકસ્માતે આ દીકરી અહીંયા આપણા ઘરે આવી છે શ્રેયા, એની ગાડી રાખવા આવી હતી, મેં તો અંદર આવ એ પ્રમાણે અંદર આવી ગઈ દીકરી. બરોબર, દાંડિયા રાસ ની પ્રેક્ટિસ માટે અમે જાતા તો હું આવી હતી. ખબર, શ્રેયા તારા મમ્મી એ જોશે મારો વ્લોગ, મારા વ્લોગ બધા જોય છે. નાખીશ ને હું, કહીશ તમને. શ્રેયા તારી માટે નાનકડું સરપ્રાઈઝ. सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही. आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. आप लोग मेरे व्लॉग देखते हो, लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. और जो लोग आखिर है वो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और मुझे सपोर्ट करो. सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग.